गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप हिमाचल ने एनटी और एचएस मेंस एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये इनिशिएटिव आपको मेंस एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेंगे। इनिशिएटिव क्या है? दिन में 12 बजे हम लोगों ने जो ऑलरेडी पहले भी एचएस मेंस को नजर में रखते हुए हमने आंसर राइटिंग आप लोगों को करवाई थी और तकरीबन 2 महीने ये सेशंस चले थे। इन सेशन को हम लोग क्योंकि डेट्स पुश हो गई है मेंस की, तो इन सेशंस को कंटिन्यू रखा जाएगा और मेंस की आंसर राइटिंग दिन में 12 बजे पहले की तरह ये चला करेगी। आप लोगों ने जो पहले भी हमने पिछले 2 महीने पहले आंसर राइटिंग कराई है उनके ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे भी ये आंसर राइटिंग पब्लिश हुई है जिसके अंदर मॉडल आंसर्स शेयर किए गए हैं। अब आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस को भी डाउनलोड करना है और उनको फॉलो करना है, आंसर्स को अपने पास कलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हम लोगों ने कवर किए हैं। बहुत ब्राइट चांसेस हैं क्योंकि पिछले बार भी जो हमने आंसर राइटिंग यूट्यूब पे कराई थी उसमें से काफी बड़ी अमाउंट में पेपर आया था, तो इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग आंसर राइटिंग आपको करवा रहे हैं यूट्यूब पे ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये हो सकता है कि पेपर में एज इट इज पूछ लिया जाए। तो आप लोगों ने अब भी इन आंसर राइटिंग को बड़ी शिद्दत से, क्योंकि जब तक एनटी का मेंस होगा तब तक ये आंसर राइटिंग कंटिन्यू करवाई जाएंगी, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और इसी आंसर राइटिंग से आपके क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस भी हैं। दूसरी बात, आपके लिए करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो एनटी का मेंस हो, चाहे एचएस का मेंस हो, चाहे एसए राइटिंग है उसमें भी करंट अफेयर को हम लोग कोट करते हैं, या इंटरव्यूज है उसके अंदर करंट इवेंट पूछे जाते हैं। जितना आपके ऊपर आपकी करंट के ऊपर पकड़ होगी, नए डेटा होंगे, नए एग्जांपल्स होंगे, वो आपको इंटरव्यू के अंदर भी एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। तो हम लोगों ने आपके 1 साल के करंट अफेयर को सब्जेक्ट वाइज दिन में 2:15 बजे आपके साथ शेयर करेंगे। तो 2:15 बजे आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे आंसर राइटिंग 12 बजे चलेगी, 2:15 बजे आपके करंट अफेयर के रिवीजन सेशन चलेंगे पर्टिकुलरली फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें टीचर्स सब्जेक्ट वाइज अपने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, जो उस साल एक्टिविटीज हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, उनको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ नोट्स को शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम हिमाचल प्रदेश जी के तूफानी पहाड़ी में, ये भी शेयर किया जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो आप लोग जिसको फॉलो करेंगे तो आपको हो सकता है कि जो है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा एज मिले। और जैसा कि आपको पता है हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एचएस के अंदर 519 बच्चों ने जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, सीट्स काफ़ी कम हैं, आप जानते ही हैं कि 16-18 सीट्स रहती हैं। ऐसे ही एनटी के अंदर मात्र 20 सीटें हैं और 421 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई भी किया है, तो इसमें भी कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है। जितना 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर आप एक्स्ट्रा लेकर आएंगे वही डिसाइडिंग होगा कि आप जो है मेरिट लिस्ट के अंदर हैं या बाहर हैं। तो बहुत बड़े मार्जिन से आपका मेरिट नहीं रुकता, इतने कम डिफरेंसेस से ही मेरिट रहता है। तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं इसको प्लग इन करने का हम लोग प्रयास करेंगे इन सेशंस के द्वारा। इसके अलावा जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, अगर वो हमसे नहीं जुड़े हुए इन वन और द अनदर कैपेसिटी, तो दे कैन इवन आस्क फॉर द मेंटोरशिप, दे कैन आस्क फॉर द सिंपल गाइडेंस। तो उसका हम लोग हमेशा से ही ओपन है कि हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। तो यू कैन कॉल अस एट अवर ऑफिशियल नंबर विच हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग हमसे भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट।